हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइबर उस्ताद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपने फेसबुक अकाउंट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से बहुत ही आसानी से काम अपने मोबाइल पर आप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल पर फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद सिंपली आपको राइट साइड में जो थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने को मिलती हैं इनके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट नंबर पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स का, सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है नीचे। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको प्राइवेसी के अंडर फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी सेटिंग्स का, तो आपको प्राइवेसी सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे आप, आपको मैनेज योर प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैनेज योर प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इस तरह की इंटरफेस है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक इन्फो का एक आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर जेंडर की इन्फो है और डेट ऑफ बर्थ है। सिंपली आपको चेंज करने के लिए एडिट का ऑप्शन जो साइड में देखने को मिल रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ अभी मैंने जो फिलहाल सेट की हुई है पहले से, ये रैंडमली मैंने सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पस के लिए अकाउंट बनाया हुआ था तो ये रैंडमली सेट है। अब हम इसको चेंज भी ऐसे रैंडमली कर लेते हैं तो सिंपली आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, डे, मंथ और ईयर। तो आपको सिंपली जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है साइड में डाउनवर्ड एरो का, उसके ऊपर क्लिक करके आसानी से आप सिंपली यहाँ पर तीनों में से कोई भी चेंज करना चाहते हैं, तीनों चेंज करना चाहते हैं, डे, मंथ, ईयर, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, सेव करेंगे। यहाँ पे सेव यहाँ पे नहीं हो रहा, सिंपली हमें क्या करना है, ये जो नीचे टिक कर देना है, यहाँ पे एक बार हमें कंफर्म कर लेना है कि जो हमने सेट किया है उसके हिसाब से हमारी जो एज बनती है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है आई कंफर्म दैट आई एम 27 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे जो मैंने डेट ऑफ बर्थ सेट किया उसके हिसाब से मेरी एज इतनी बनती है, तो मुझे कन्फर्म मार्क्स जो कन्फर्म वाला है उसके ऊपर टिक करना है और सिंपली सेव कर लेना है और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है मेरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे लिमिट है कि कितनी बार आप चेंज कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि आपने अभी चेंज किया तो अगर आप वापस चेंज करना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको रुकना पड़ेगा, यहाँ पे आप तुरंत वापस चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिमिट है, आपको कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ेगा अगर आप वापस चेंज करना चाहते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप डेट ऑफ बर्थ फेसबुक पे चेंज करना चाहते हैं अपनी तो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके।